150 करोड़ की जनसंख्या हो जाने के बाद भी भारत में गर्भपात कराना अपराध माना जाता है, लेकिन अवैध तरीके से आज भी गर्भपात के हजारों क्लिनिक देश में चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक क्लिनिक का भंडाफोड़ हुआ हरियाणा के रोहतक में, जहां गर्भपात कराने के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। यहां एक दाई धड़ल्ले से अवैध क्लिनिक चला रही थी। क्लिनिक पर गर्भपात के लिए आने वाली महिलाओं से पैसे लेकर दाई उन्हें अपनी पहचान की एक रिटायर्ड सर्जन महिला डॉक्टर के पास भेज देती थी। इन सब की भनक जब स्वास्थ्य विभाग को लगी तो विभाग ने फर्जी ग्राहक के माध्यम से दोनों का पर्दाफाश किया। सिविल सर्जन के निर्देश के अनुसार PNDT टीम ने दोनों को रंगे हाथों दबोचा है, साथ ही क्लिनिक को सील कर सभी दवाइयां भी बरामद कर ली गई हैं। ये तो है ही कि जो हमारा एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, उसको देखते हुए मैं आपको सभी को आपके चैनल के मार्फत भी बधाई दूंगा कि रोहतक स्टेट में नंबर वन पे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, सेक्स रेशो में नंबर वन पे हैं। उसी कड़े को ध्यान में रखते हुए कल एक इलीगल ढंग से जो MTP हो रही थी उसका भंडाफोड़ किया है और उसको अरेस्ट किया है और सारी चीज़ रिकवरी की है। तो ये मोमेंटम है, ये चलता रहेगा जी। ऐसे ही तो ऐसे लोग जो काम करेंगे उनको पकड़ेंगे भी और उनको जेल में डाला जाएगा और इसी से चीज़ रुकेगी, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए, तो मेरी जो PCPNDT की टीम है पूरी ढंग से अच्छे से करके लाई है और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया है। ये यहीं पे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में था तो इलीगल ढंग से जो MTP किट थी वो इसको लेकर के यूज कर रहे थे और उसके साथ साथ वो पैसा जो था 10,000 वो भी बरामद हुआ है। तो ये इस तरह के नहीं होना चाहिए, खास करके PCPNDT में हम SD करते हैं और उसके बाद जब SD कराने के बाद ये पता लगता है कोई अबॉर्शन कर रहा है उसका, तो ये तो बहुत ही घिनौनी है हरकत। इस तरह की एक्टिविटी को हम कंटिन्यू रखें नहीं, इस तरह की ये गुप्त सूचनाएं होती है मिलती रहती है तो उसी के आधार पर हम जब पुख्ता हमें लग जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तभी हम इस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये तकरीबन इसको हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। नहीं, ये तो देखिए अब इसको इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी डिटेल में। हमें ये मिला था कि इस सेंटर पर ये ऐसे ऐसे अबॉर्शन किया जाएगा तो वी प्रिपेयर द टीम और टीम वेंट देयर और दे फाउंड द फैक्ट और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया और उन पर सारी चीज़ रिकवरी की गई है और उसके अगर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस का मैटर है, वो देखेंगे इन डिटेल में कि कहाँ कहाँ इनके और लिंक थे। नहीं, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि वो कहीं कहीं पुराने रिटायर्ड होंगे, कहीं दूसरी जगह पर लगे हुए थे। तो ये अभी सच है कि एक डॉक्टर हैं जो पहले जॉब में थे और अब कोई एज ए कंसल्टेंट भी कहीं लगे हुए थे, ऐसा है वो पुलिस बताएगी सर। उसको MTP एक्ट के तहत उसकी कार्रवाई की जाएगी। दाई और आरोपी महिला डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ अभी जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर JS पुनिया को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में एक जगह पर गर्भपात कराने का खेल चल रहा है। उन्होंने डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सत्यवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम के गठन के बाद मामले की पूरी जानकारी जुटाई गई। एक गर्भवती महिला को डिकॉय पेशेंट बनाकर टीम ने मदद ली। टीम के कहने पर महिला भगत सिंह कॉलोनी में संतोष नाम की दाई के अवैध क्लिनिक पर पहुंची। दाई संतोष ने महिला से गर्भपात कराने के लिए 20,000 रुपयों की मांग की। 10,000 रुपये एडवांस में लिए गए। दाई ने रुपए लेने के बाद गर्भवती महिला को सेक्टर 2 के एक मकान का पता दिया और वहां उसे दूसरे दिन पहुंचने के लिए कहा। गर्भवती महिला दूसरे दिन बताए हुए पते पर पहुंची। गर्भवती महिला को वहां सिविल अस्पताल से रिटायर्ड हो चुकी सर्जन डॉक्टर पूनम मिली। डॉक्टर पूनम ने जैसे ही महिला को गर्भपात की दवाइयाँ दी, टीम ने छापा मार कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दाई के अवैध क्लिनिक पर भी ठीक उसी समय पर छापामारी की गई। इसी के साथ दाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। अंदर वाशरूम में रखे हैं।
किधर के हैं? ये इंस्ट्रूमेंट। अच्छा अच्छा बता दीजिए, मैं पहले जानती हूँ। तो इसको ले आई थी, मैंने चेक किया था, टेबलेट इसको दी थी और मेरे पास ये टैबलेट मिली है। तो सारे को तो सीज हो गए, मिली है। रिटायर्ड हूँ, जब कहाँ पे जॉब कर रही हूँ सारा। इनके नंबर खोलो, नंबर दिखा दो, रुक जाओ, नंबर दिखाओ पहले, नोट का क्या है, पहले पहले नोट का नंबर दिखा दो। हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर हो चुकी हूँ। अगला आगे रखो, वो तो डॉक्टर साहब वो पता चलते। चलो पता लिखो, डॉक्टर साहब जो आपको लिखना है वो लिख दो, हम नहीं लिख रहे हैं। हां, और हम अपने घर पे ही, अपने रिटायरमेंट के बाद अपने घर पे ही अपना सेटअप चला रहे हैं। कितने हैं, कितने से टोटल? बस सही में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूं। पांच नोट कितने थे लेके आई थी मेरे पास दिखाने के लिए? 10,000। जब मैंने उसको देखा तो उसी समय बाद मेरे को टीम ने पकड़ लिया। बस जो चीज वो अपने आप लिख दो, ठीक है ना।